हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल तंजिला किचन रेसिपीज़। तो आज हमारे किचन में बनने वाली है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार खीर। ये खीर खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी बहुत सिंपल है। जिस तरीके से हम हमारी नॉर्मल खीर बनाते हैं उसी तरीके से ये बनती है, लेकिन खाने में ये बहुत ही लाजवाब और दिखने में भी बहुत ही बढ़िया बनेगी ये खीर जो है। तो इस खीर को बनाने के लिए सबसे पहले 1.5 लीटर दूध ले लिया है मैंने। आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उतना दूध ले लीजिएगा। तो अब दूध को हम बॉईल होने देंगे। तो ये देखिए, दूध में हमारे अच्छे से उबाल आ चुका है। तो अब जो है गैस का फ्लेम हम जो है लो कर देंगे और अब इस तरीके से इसे चलाएंगे हम। तो ये खीर जो है नॉर्मल हमारी जो खीर होती है उसी तरीके से बनती है, लेकिन इसका जो लुक और जो इसमें एक ट्विस्ट है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये जो है मैंने चावल ले लिए हैं, जो खीर के चावल होते हैं, तो उसे मैंने लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो दिया था। तो ये चावल लगभग मेरे जो है 70 ग्राम चावल है और उसे भिगो के हमने ले लिया है। तो उसे हम डाल देते हैं और अब हमें खीर को तब तक पकाना है जब तक कि चावल अच्छे से गल नहीं जाते और दूध और चावल अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते। तो जब तक इस तरीके से चलाते हुए हम चावलों को भी पका लेंगे और गैस का फ्लेम हम जो है लो ही रखेंगे। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये दूध जो है लगभग 150 से 200 ग्राम दूध हमारा कम नहीं हो जाता और ये चावल और जो दूध है हमारा वो अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो ये देखिए, हमने अच्छे से पका लिया है और हमारे चावल भी अच्छे से जो है गल चुके हैं और आप देख सकते हैं दूध की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं दूध और चावल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, ये देखिए। तो अब जो है हम इस खीर को जो है साइड में रख देते हैं अभी। तो खीर को हमने साइड में रख दिया है। तो इसमें हम 2 चम्मच देसी घी लेंगे। घी को अभी हम मेल्ट हो जाने देंगे। इसमें हम ड्राई फ्रूट्स फ्राई करेंगे हमारे। तो घी हमारा मेल्ट हो चुका है। तो अभी ये कुछ मैंने काजू और बादाम ले लिए हैं। आप जो भी अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप ले सकते हैं और हल्का सा हम इसे भून लेंगे। आप जब भी कोई मीठी चीज़ बनाते हैं तो उसमें ड्राई फ्रूट्स को घी में हल्का सा भून ले तो उसकी जो मीठी चीज़ का आपकी जो टेस्ट है वो डबल हो जाता है। तो हल्का सा भून करके हमने इसे निकाल लिया है, ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है। और अब जो है हम इसमें किशमिश डाल देते हैं और थोड़ी सी किशमिश को भी हम भून लेते हैं। किशमिश बहुत जल्दी से जो है फूल जाती है, ये देखिए आप देख सकते हैं। तो फटाफट से हम इसे निकाल लेंगे नहीं तो ये जल जाएगी। और इस घी में अब हम डालेंगे चीनी। तो मैंने लगभग 1 कप चीनी लिया है और ये ग्राम में हमारा चीनी 150 ग्राम है। आप मीठा जितना खाना पसंद करते हैं उतनी चीनी ले लीजिएगा आप। तो अब अच्छे से हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर इसी तरीके से चलाते रहेंगे और आप देख सकते हैं मैंने घी के अंदर ही चीनी को डाला है। तो अब अच्छे से हम इस तरीके से इसे लो फ्लेम पर इसी तरीके से चलाते हुए हम चीनी को मेल्ट करेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई नहीं करना है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं इस तरीके से हम इसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे और आप देख सकते हैं चीनी हमारी मेल्ट होने लगी है। तो बस हमने अभी बिल्कुल भी हाथ नहीं रोकना है, गैस का फ्लेम लो ही रखना है और कंटिन्यूसली इसे इसी तरीके से चलाते रहना है। तो ये देखिए, चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो अच्छे से चीनी मेल्ट हो गई है, तब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा कर लेंगे। लगभग 1 मिनट हम इसे इसी तरीके से चलाते हुए इसे ठंडा कर लेते हैं हम। तो ये देखिए, हमारी चीनी जो है ठंडी हो चुकी है, उसका कलर भी थोड़ा सा डार्क हो चुका है। तो अब जो है हम बिल्कुल थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और इसे तुरंत ही हम ढक देंगे पानी डालकर। ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, इसमें सिर्फ 30 सेकेंड ही हमने इसे ढक कर रखना है और फिर जो है हम इसे खोल लेंगे। और आप देख सकते हैं कि हमारी चीनी किस तरीके से पक रही है, जबकि गैस हमारा अभी ऑफ ही है क्योंकि चीनी हमारी जो है गर्म थी, ज़्यादा ठंडी नहीं की थी हमने। तो बस उस टाइम हमने जो है पानी डाल दिया था इसमें और अब जो है हम इसे अच्छे से इस तरीके से चलाते हुए इस चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। आपको इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब आपकी चीनी मेल्ट हो जाए तब आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा और फिर 1 मिनट चीनी को ठंडा कर लीजिएगा। उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसे ढक दीजिए। ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी चीनी जो है घी में जाके जम जाएगी। तो ये देखिए, हमने अच्छे से इसे मेल्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं सिर्फ 1 मिनट में ये अच्छे से मेल्ट हो चुकी है क्योंकि हमारा गैस का फ्लेम ऑफ था इसीलिए। तो अब जो है हम गैस का फ्लेम फिर से ऑन कर देंगे और हमने जो चीनी मेल्ट किया है वो हमारी खीर में हम डाल देंगे।
तो इससे जो हमारी खीर का टेक्सचर है वो भी बहुत ही अच्छा आएगा। खीर बहुत टेस्टी लगेगी, दिखने में तो अच्छी होगी ही, साथ ही में खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी। और ये खीर हमने नॉर्मल खीर की तरह ही बनाई है, लेकिन आप इसका लुक देखिएगा और आप इसका टेस्ट देखिएगा कितना बेहतरीन इसका टेस्ट आने वाला है। तो अब जो है हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और आप देखिएगा इसका कलर किस तरीके से चेंज होता है। कोई यकीन ही नहीं करेगा कि आपने नॉर्मल खीर ही बनाई है, ये इस तरीके का इसका टेस्ट हो जाएगा और इसका लुक भी बहुत बेहतरीन दिखेगा। तो अब जो है हम इसमें हरी इलायची का पाउडर डाल देते हैं थोड़ा सा फ्लेवर के लिए, और अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन हमारी खीर दिख रही है, ये देखिए। कोई बोल सकता है कि जो नॉर्मल खीर बनाते हैं हम वही खीर है ये। और अब जो है ये ड्राई फ्रूट जो हमने फ्राई करके रखे थे वो भी डाल देते हैं हम इसमें और अच्छे से इसे भी मिक्स कर देते हैं। तो बस 2 मिनट हम इसे और कुक कर लेंगे। तो ये देखिए 2 मिनट हमने इसे और कुक कर लिया है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो चीज़ें सारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी खीर बन करके रेडी हुई है। तो अगर आपके यहाँ कोई मेहमान भी आ जाते हैं तो आप इस खीर को सर्व कीजिएगा, वो बता ही नहीं पाएंगे कि आपने नॉर्मल खीर की तरह खीर बनाई है और इसका टेस्ट भी बिल्कुल बेहतरीन आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने हमारी खीर को सर्व कर लिया है और आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन हमारी खीर बनकर के रेडी हुई है। तो है ना बिल्कुल सिंपल तरीके से एकदम नई डिश। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आगे भी मैं आपको इसी तरीके से सिंपल रेसिपी और बहुत ही टेस्टी रेसिपीज देती रहूँगी। तो मैं मिलती हूँ फिर से अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।